नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। रद्द हो सकती है आपकी मान्यता, चुनाव आयोग नाराज। पिछले लोकसभा चुनाव में खर्च का हिसाब नहीं देने पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी सहित 6 अन्य दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग पहले भी 2 बार इन दलों को नोटिस भेज चुका है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने से नाराज आयोग ने अब इन दलों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी समेत जिन 6 दलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, नेशनल पीपुल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस शामिल है। आयोग ने इन दलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम समय दिया है। भूमि अधिग्रहण बिल पर सोनिया का अन्ना को पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को पत्र लिखकर राजग सरकार के नए भूमि विधेयक पर उनकी चिंताओं पर सहमति जताई। पत्र में सोनिया ने हर मोर्चे पर इसका विरोध करने का संकल्प जताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि आपका 14 मार्च का पत्र मिला जिसमें आपने भूमि अधिग्रहण विधेयक 2015 के बारे में चर्चा की और अपनी आशंकाएं बताई। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि राजग सरकार द्वारा जारी किया गया अध्यादेश और संसद में पेश किया गया संशोधन विधेयक किसानों के हित में नहीं है। अब ड्रोन से होगी बाघों की ई निगरानी। शिकार के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बाघों के संरक्षण के लिए ड्रोन के जरिए ई निगरानी एक रणनीतिक कदम होगा। जावड़ेकर ने कहा कि लोगों के लालच की वजह से शिकार के मामले बढ़ रहे हैं, हमें इस पर रोक लगानी होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में 73 से अधिक बाघ मारे गए हैं, यह बड़ा आंकड़ा है। इसमें अवैध व्यापार और धन शामिल है। गेंडे के एक सिंह से ही 1 करोड़ रुपए हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी शिकारियों को मार रहे हैं। यदि गेंडे के शिकार के 23 मामले हैं तो हमने भी 22 शिकारियों को मारा है।